बारिश के बीच भीषण आगजनी से मचा हड़कंप। बिछिया में नगर निगम के गोदाम में भड़की आग, भरभरा कर गिरी छत। आग ने गोदाम सहित सामान को जला कर दिया खाक। रीवा नगर निगम को बड़े नुकसान होने का है अनुमान। बता दें कि रविवार को एक और जहां बारिश से हुए जल भराव से लोग परेशान थे, तो वहीं बारिश के बीच एक बिल्डिंग में लगी आग ने हड़कंप मचा कर रख दिया। बारिश के दौरान शहर में आग लगने की घटना बिछिया स्थित नगर निगम के गोदाम में हुई, जहां अज्ञात कारणों के चलते भड़की आग ने न सिर्फ गोदाम के अंदर रखे सामान को जला कर राख कर दिया, बल्कि बिल्डिंग की छत भी भरभरा कर नीचे जा गिरी। घटना के दौरान बिल्डिंग में दुकान संचालित करने वाले लोगों के बीच हड़कंप मचा रहा, तो वहीं आसपास के लोगों की भारी भीड़ मौके पर एकत्रित रही। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो बारिश के बावजूद भी आग इतनी भयावह थी कि इसके नज़दीक जाना भी संभव नहीं था। घटना के दौरान मौके पर मौजूद लोगों की सूचना पर दमकल को बुलाया गया, जिसके बाद पहुंचने के बाद आग पर काबू पाया गया। दरअसल घटना रविवार की रात तकरीबन 8 बजे के आसपास की है, जब बिछिया भैरव मार्ग स्थित नगर निगम के गोदाम में हुई ये घटना। स्थानीय प्रत्यक्षदर्शियों ने जानकारी देते हुए बताया कि रात 8 बजे के वक्त गोदाम के अंदर से अचानक से आग की लपटें निकलने लगी थी, जो कि देखते ही देखते भयावह हो गई। आग लगने के कारण गोदाम के अंदर रखा सामान पूरी तरह से जलकर खाक हो चुका है, तो वहीं बिल्डिंग की छत भी पूरी तरह से धराशायी हो गई। बताया जाता है कि उक्त गोदाम में नगर निगम के द्वारा शहर से जब्त किए जाने वाली सामग्रियों को सुरक्षित रखा जाता था, जो कि आग लगने के कारण जलकर खाक हो चुकी है। हालांकि गोदाम के अंदर आग कैसे लगी ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। माना जा रहा है कि गोदाम में आग लगने की वजह से नगर निगम को भारी नुकसान हुआ है। प्रस्तुत एक झलकी।